हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। आज का वीडियो वो स्पेशल लोअर एब्स के लिए है। जो बेली के नीचे हमारा लोअर एब्स रहता है वो किसी किसी का एकदम हेवी रहता है या लटकते भी रहता है, जो ज्यादा रहता है, उसके लिए आज हम वर्कआउट करेंगे। जिनको थोड़ा भी है वो भी कर सकते हैं, जिनका हेवी लोअर एब्स है वो भी कर सकते हैं। चलो तो अभी टाइम नहीं गवाएंगे, हम वर्कआउट शुरू करते हैं। ये वर्कआउट शुरू करने से पहले हमें वार्म अप करना है। वार्म अप के बाद हमें 10 टू 15 मिनट्स कार्डियो करना है। आपको पता ही है हमें कार्डियो क्या करना है। थोड़ा सा डांस म्यूजिक में आप डांस कर सकते हो, अदरवाइज आप जो फ्लोर एक्सरसाइज रहती है वो वाली 10 टू 15 मिनट्स कर लेना। उसके बाद ही हमें लोअर एब्स के लिए एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज हम मैट पे करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो पहले वार्म अप, फिर कार्डियो, फिर हमें एब्स पे ध्यान देना है। अगर हमें पेट कम करना है तो डाइट पर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। रात का खाना हो सके उतना हमें जल्दी खा लेना है। 6:30 से लेकर हम 7:30 तक अगर हमारा खाना खा लेते हैं तो जल्दी जल्दी पेट कम होगा। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज लेग रेजेस करेंगे। हमें लेग्स को 90 डिग्री में अप करना है और वहाँ पर कुछ सेकंड होल्ड करके फिर धीरे धीरे नीचे आना है। अगर आप दो पैर से एक साथ नहीं कर सक रहे हो तो अल्टरनेट पैर उठा सकते हो, लेकिन वो भी हमें धीरे धीरे ही अप डाउन करना है। एक बार एक पैर, दूसरे बार दूसरा पैर। ध्यान रहे जब हम अल्टरनेट पैर उठा रहे हैं उस वक्त भी हमें काउंटिंग 20-20 या 10-10 की ही करनी है और ऐसे 2 या 3 सेट करने हैं। अब मैं दोनों पैर साथ में आपको उठाकर दिखाऊंगी, 10 बार उठाऊंगी। देखो कितने धीरे धीरे हमें उठाना है, आराम से उठाना है। कुछ सेकेंड के लिए हमें ऊपर होल्ड करना है और फिर धीरे नीचे आना है। ये एकदम घाई में बिल्कुल नहीं करना है। ये मैंने गिनकर 10 बार किए हैं, आपको गिनकर ये 20 टाइम करना है। अगर आप 20 टाइम नहीं कर सकते तो आप 10-10 के 3 सेट या 4 सेट कर सकते हो। 7, धीरे धीरे नीचे आना है। 8, 9 and 10। 11, देखो ये वाला हम होल्ड करेंगे। होल्ड यानी के सीधा खड़ा रखना है पैर और मन में 10 काउंट करने हैं। अगर आप पैर स्ट्रेट नहीं रख सकते तो हाथ से उसे पकड़ लो, लेकिन होल्ड करना ज़रूरी है। मन में 10 काउंट करने के बाद धीरे धीरे उसे छोड़ देना है। रिलैक्स। अब हमें ब्रीद आउट और ब्रीद इन करना है। ब्रीद हमें नॉर्मल लेना है और ब्रीद आउट, जितना ब्रीद लिया है उससे डबल हमें ब्रीथ आउट करना है, यानी इनहेल और एक्सहेल। इनहेल जितना करते हैं उससे डबल टाइम एक्सहेल करना है और एक्सहेल करते टाइम हमें पेट अंदर अंदर लेना है और हवा बाहर बाहर डालनी है। इससे हमारी रेस्ट भी हो जाएगी और हम पूरे दिन में प्रॉपर ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन नहीं करते, तो ये कंप्लीट ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन हो जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमें पैर को 45 डिग्री में उठाना है। उठाकर वापस नीचे आना है, वापस अप एंड डाउन हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन 45 डिग्री तक ही उठाना है। ये वाले हम गिनकर 10 करेंगे और 11वां वापस हम होल्ड करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब जो 11वां है उसे हमें होल्ड करना है, कुछ देर के लिए हमें होल्ड करना है। आप मन में 10 काउंट कर सकते हैं एंड रिलैक्स। अब देखो कई लोगों की लोअर बॉडी बहुत हेवी है तो वो लोग दोनों पैर एक साथ होल्ड नहीं कर सकेंगे, उनके लिए अल्टरनेट पैर वो इस तरह अप डाउन करके होल्ड कर सकते हैं।
कुछ सेकंड के लिए उन्हें होल्ड करना है और वापस नीचे रखना है। ऐसे वो अल्टरनेट पैर अप डाउन कर सकते हैं। कुछ भी हो, एक्सरसाइज करनी है, मेरा वेट ज़्यादा है, मेरे से नहीं होता बोल के छोड़ना नहीं है, हमें करना ही है। और जब हम करेंगे तो ही तो हमारा वेट कम होगा, नहीं तो कुछ किए बिना हमारा वेट कैसे कम होगा। देखो, एक्सरसाइज के बीच में मैं इनहेल और एक्सहेल प्रॉपर कर रही हूँ, और जब एक्सहेल कर रही हूँ उस वक्त मैं पेट अंदर की ओर खींच के हवा पूरा बाहर निकाल रही हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें हिप्स के नीचे हाथ देने हैं सपोर्ट के लिए। अब दोनों नीज हमें चेस्ट की ओर लेके आने हैं और फिर दोनों पैर साथ में दूर लेके जाने हैं। आप देख रहे हो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। एक बार दोनों घुटने छाती की ओर और दूसरी बार दूर लेके जाने हैं। इस तरह हमें ये भी 10 टाइम काउंट करना है। और ये भी एक्सरसाइज हमें पूरा स्लो ही करना है, बिल्कुल घाई गड़बड़ में ये नहीं करना है। जितने टाइम हम ये पैर होल्ड रखते हैं उतना ही हमारे लोअर बॉडी पे इसका असर ज़्यादा मिलता है। अब लास्ट वाला हमें थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है और फिर रिलैक्स। अब जब हमें रेस्ट करनी है उस वक्त हम अच्छे से ब्रीद आउट और ब्रीद इन करेंगे। मैं ये बार बार बता रही हूँ ताकि हम जब रेस्ट करते हैं तब इनहेल और एक्सहेल हम प्रॉपर करें। देखो, जितने टाइम हम इनहेल करते हैं उससे डबल टाइम हमें एक्सहेल करना है, और एक्सहेल करते वक्त हमें पेट अंदर और हवा बाहर डालनी है। चलो, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। वापस हम हिप्स के नीचे सपोर्ट के लिए हाथ देंगे और राइट लेग फर्स्ट उठाना है और नी में जैसे मैंने बेंड किया है उस तरह बेंड करना है और हाथ से उसे पेट की ओर दबाना है। जितना हो सके उतना हमें पेट की ओर पैर को दबाना है और होल्ड करना है। देखो, अब वापस हमें स्ट्रेट करके धीरे धीरे नीचे आना है। अब हम लेफ्ट लेग उठाएंगे और वापस नी में बेंड करके चेस्ट की ओर उसे दबा लेना है, अच्छे से दबाना है, मन में 10 काउंट करके होल्ड भी करना है। जब 10 काउंट कंप्लीट हो जाएंगे हमें वापस पैर को स्ट्रेट करना है। ये हम धीरे धीरे ही करेंगे और नीचे रख देना है। देखो, ये होने के बाद आपको मैं ये भी दिखाती हूँ। दोनों पैर साथ में लेके हमें चेस्ट की ओर दबाना है और जितना हो सके उतना पेट की ओर चेस्ट की ओर दबाकर उसे होल्ड करना है। मैंने यहाँ पर अपर बॉडी उठाई है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो ये अपर बॉडी ना उठाए। अब देखो, पैर को अच्छे से टाइट पकड़ लेना और हमें इस तरह मूवमेंट करनी है। एक बार बॉडी नीचे और ऊपर हिलानी है। देखो आप किस तरह पीठ के ऊपर हमें ये करना है। अप डाउन करते रहना है। कम से कम 5 टाइम्स करके हम रुक सकते हैं। अब धीरे धीरे हमें हाथ छोड़कर पैर को नॉर्मल करना है, रिलैक्स। अब हम वापस इनहेल और एक्सहेल करेंगे। जितना ब्रीद ले रहे हैं उससे डबल हमें बाहर छोड़ना है, और जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं उस वक्त हमें पेट अंदर अंदर खींचना है। ओके, अब हम पैर को स्ट्रेट रखेंगे, हाथ हमें दोनों साइड में रखने हैं और पैर को 90 डिग्री में उठाना है। जितना हो सके उतना दोनों पैर साइड में खोलने हैं और वापस क्लोज करने हैं। नज़दीक आना है और दूर लेकर जाना है। इस तरह ये भी हम 10 काउंट करेंगे। जितना हो सके उतना ओपन करना है, दोनों लेग साइड में खोलने हैं। बराबर गिन के 10 टाइम हम करेंगे और जो लास्ट वाला है वो हम होल्ड करेंगे। ओपन करके पैर को होल्ड करना है।
देखो ये लास्ट वाला है, अब ये हम होल्ड करेंगे मन में 10 काउंट करके, हमें ये होल्ड करना है। होल्ड होल्ड एंड रिलैक्स। अब 90 डिग्री में मैंने पैर ऐसे ही अप रखे हैं। अब धीरे धीरे हमें वापस पैर नीचे लाने हैं। हर जगह पर हम ये होल्ड करते हुए ही कर रहे हैं ताकि लोअर रैप्स पे हमें ज़्यादा असर मिले। अगेन हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। एक्सहेल करते वक्त हवा बाहर और पेट अंदर और अंदर लेना है। चलो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। हमें दोनों पैर 35 डिग्री तक उठाना है और दोनों को खोलना है और वापस पास में लाना है। बस इतना ही करना है। ये भी हम गिनकर 10 काउंट करेंगे और लास्ट वाला कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। एंड रिलैक्स। वापस ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रॉपर करना है। जितने टाइम हम ये करेंगे उतना हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलो अब एक साइड में टर्न होके हमें उठना है और उठकर हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में प्रॉपर बैठने के बाद दोनों हाथ हम ऊपर लेके जाएंगे। सीट पर बैठे रहना है और हमें हाथ इस तरह दूर लेके जाना है और फिर हम भुजंगासन में आएंगे। देखो हाथ मेरे वहीं पे है और नेवल तक मेरी बॉडी नीचे टच है और सिर मैंने पूरा ऊपर स्ट्रेच किया है। अब वापस हम इस कंडीशन में आएंगे, इसे हम बालासन बोलते हैं। और आगे आकर करते हैं वो भुजंगासन है। भुजंगासन में हम पूरा स्ट्रेच करेंगे, नेवल से लेके हमें चीन तक पूरा स्ट्रेच करना है भुजंगासन में, और फिर हम बालासन करेंगे। ऐसे हम कंटिन्यूसली ये 10 और 20 टाइम करेंगे। अगर 10 बार हो सकता है तो 10 बार करना, अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, 20 बार करेंगे तो ये अच्छा है। अब ये 5वीं बार भुजंगासन है, हमें ये पूरा होल्ड करके ही करना है। ये बालासन है, एक बार बालासन एक बार भुजंगासन। ये 6, पीछे बैठना है। वापस से 7th वाला भुजंगासन। एक इसमें हम दो आसन कर रहे हैं, यानी इसका हमें डबल फायदा मिलने वाला है। 8, 8वां भुजंगासन है ये। जितने मैं स्लोली कर रही हूँ उतना ही स्लो आपको भी करना है, तो ही इसका इफ़ेक्ट हमें अच्छा मिलता है। बिल्कुल फास्ट फास्ट में ये करने की ज़रूरत नहीं रहती, स्लो स्लो ही करना है। सारे मसल्स जो है वो स्ट्रेच होना ज़रूरी है। अच्छे से होल्ड करना है। ये लास्ट वाला है इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम होल्ड करके रखा है। अब बालासन में भी हमें ज़्यादा होल्ड करना है। मन में हम 10 काउंट करते हैं जब होल्ड करते हैं, लेकिन 10 जो है वो फास्ट काउंट नहीं करने हैं। चलो हमारा लोअर एब्स का वर्कआउट यहाँ पे फिनिश हो गया है। आपको इसके 4 सेट करने हैं, मैंने सिर्फ एक सेट ही आपको दिखाया है, आप बाकी का कंप्लीट करना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको वेट लॉस के लिए या फिटनेस के लिए मेरा क्लास ज्वाइन करना है तो ज़रूर कर सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।